उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गहने की दुकान में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सियासत जारी है। एक दिन पहले जहां अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की, जिसके लिए यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में पार्टी का एक डेलीगेशन मंगेश यादव के घर जौनपुर पहुंचा। लाल बिहारी यादव ने मंगेश के परिजनों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिया कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। इस मौके पर लाल बिहारी यादव ने यूपी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। हम लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं कि जाति के नाम पर जो है, चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो, दो को टारगेट, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो व्यक्ति, उसको टारगेट सरकार द्वारा पुलिस से बनवाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के मंगेश यादव के घर पर जाने पर बीजेपी की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया आई। मंगेश यादव जो 1,00,000 रुपए का इनामिया बदमाश था, जो पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस कर रहा था, अब उसके यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के जा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का जाति प्रेम उत्तर प्रदेश को लेकर के गर्त में गया था। दरअसल एक दिन पहले ही सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े हुई डकैती के मुख्य आरोपी मंगेश यादव को एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया था, जिस पर सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री ने डीएनए के बहाने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं का एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के घर पर जाने पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों के साथ खड़ा होना अखिलेश यादव के डीएनए में है। ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो उनके डीएनए में है और बराबर ये करते रहे हैं। तो ये नारा लगता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। इससे पहले मैनपुरी की रैली में सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में सिर्फ गुंडागर्दी है। दरअसल एक दिन पहले ही एसटीएफ ने डकैती के मुख्य आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। तभी से इस एनकाउंटर को लेकर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा के बाढ़ के लिए यूटीएसएम यूनिवर्सिटी लगाए गए आरोपों की जांच ज्वाइंट कमेटी करेगी। असम और मेघालय सरकार की ओर से बनने वाली इस कमेटी को अब इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई, क्योंकि सीएम हेमंता बिस्व सरमा ने असम में बाढ़ जिहाद के लिए यूएसटीएम यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय को जिम्मेदार ठहराया था। हेमंता बिस्व सरमा ने कहा कि यूनिवर्सिटी के निर्माण ने प्राकृतिक जल के प्रवाह को रोक दिया, जिससे बाढ़ की स्थिति बन गई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर इस मामले में बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आरोप है कि इसके जरिए असम मेघालय सीमा पर पहाड़ को नष्ट किया गया, जिससे गुवाहाटी में बड़े पैमाने पर जलभराव हो गया। यूएसटीएम यूनिवर्सिटी गुवाहाटी के बाहरी इलाके और मेघालय के रीभोई जिले में है। सीएम हेमंता ने यूनिवर्सिटी को मस्जिद की तरह बनाने पर भी सवाल उठाया और यूनिवर्सिटी के मालिक मकबूल हक का ओबीसी सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया गया। असम में बाढ़ जिहाद के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया। उन्होंने असम की सरकार पर बेवजह मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। जिस तरह असम में बीजेपी की हुकूमत में हर बार अगर किसी को जलील करने की कोशिश की जाती है तो मुसलमानों को, वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब, क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जलील करना है। अगली खबर का रुख करेंगे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मृत लेडी डॉक्टर और इस मामले का आरोपी संजय रॉय का डीएनए अब मैच हो गया है, जिसके बाद दावा किया गया कि इस मामले में सीबीआई की जांच आखिरी चरण में पहुंच गई। हालांकि इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट बनने में कुछ समय लगेगा। बताया गया कि सीएफएसएल एक्सपर्ट्स ने डीएनए की अलग अलग प्रोफाइलिंग की, जब्त किए गए दूसरे एक्सबीट से भी डीएनए मैच किया गया। डिटेल रिपोर्ट एडवांस साइंटिफिक टेस्ट करने के बाद सीबीआई को दी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई आरोपी के दूसरे साइंटिफिक टेस्ट करवाने पर विचार कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में कोलकाता में हुई इस वारदात का मुख्य आरोपी सिर्फ संजय रॉय ही है और संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट के लिए सीबीआई के पास काफी सबूत है। डीएनए रिपोर्ट सीबीआई के पास पहले ही आ चुकी है जिसको फाइनल ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया था। एम्स के डॉक्टरों के पैनल ने डीएनए रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन किया और ये फाइनल रिपोर्ट जल्द ही सीबीआई को वापस भेजी जाएगी। सीबीआई इस मामले में करीब 100 लोगों के बयान भी अब तक दर्ज कर चुकी है जबकि 10 से ज्यादा लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई की एसओपी का हिस्सा थी ताकि चार्जशीट में वारदात का कोई सिरा अधूरा ना रह जाए। सीबीआई जांच में बारीक से बारीक शक को भी पुख्ता करना चाहती थी इसीलिए सीबीआई ने 10 से ज्यादा लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए थे। इस बीच कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को पहले ही गिरफ्तार कर रखा है, अब उन पर ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है क्योंकि ईडी के अफसरों ने कोलकाता में संदीप घोष के घर छापेमारी की। साथ ही उनके करीबियों के घरों पर भी ईडी के अधिकारियों ने धावा बोला और छानबीन की। संदीप घोष के अलावा जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई उनमें हावड़ा में संदीप घोष के करीबी विप्लव सिंह और कौशिक कोले शामिल हैं। इसके अलावा सोनारपुर में प्रसून चैटर्जी के घर पर भी ईडी ने रेड मारी। प्रसून चैटर्जी नेशनल मेडिकल कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। ये छापेमारी कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के मामले में की गई। जाहिर है कि भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही सीबीआई के शिकंजे में आए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल संदीप घोष के प्रिंसिपल रहने के दौरान संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने दर्ज कराई थी। कोलकाता पुलिस पहले इस मामले की जाँच कर रही थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस जाँच को भी अपने हाथ में ले लिया था। जहां एक तरफ पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर संदीप घोष को लेकर हर रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि संदीप घोष की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही हैं। इस बीच संदीप घोष को लेकर के एक और जानकारी सामने आई। दक्षिण 24 परगना के कैनिंग नंबर 2 ब्लॉक के नर्त्यापुरम में एक आलिशान बंगले का पता चला। दावा किया गया कि यह बंगला संदीप घोष का है। वहाँ न सिर्फ आलिशान बंगला है बल्कि एक बड़ा फार्म हाउस भी है। बताया गया कि इसका निर्माण संदीप घोष के निर्देश पर ही किया गया। दावा है कि करीब 2 साल पहले संदीप घोष ने इस बंगले को बनवाया था। बंगले के साथ एक फार्म हाउस भी है। संदीप घोष अक्सर अपने परिवार के साथ यहाँ आते थे और बंगले में रुकते थे। बंगले में कुछ दिन बिताने के बाद वो लौट जाते थे। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले के बाद से ही संदीप घोष सवालों के घेरे में है। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली स्थित मुख्यालय में दोनों पहलवान आज कांग्रेस में शामिल हो गए। जहां मंच पर स्थित कांग्रेस नेताओं ने दोनों पहलवानों को पटका पहनाकर उन्हें विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलाई। I'm generally reminding the authorities of the railway, now the country will be with these two players, entire country. Don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly. कांग्रेस की सदस्यता लेते ही विनेश फोगाट ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है सड़क से लेकर संसद तक। तो वहीं बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी के लिए ग्राउंड पर रहकर काम करने का भरोसा दिया। ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पर रहकर काम करेंगे जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे। दोनों के कांग्रेस में शामिल होने पर रेसलर साक्षी मलिक की भी प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने उनका व्यक्तिगत फैसला बताया। मन में उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है तो वो उन्होंने वो चीज फैसला लिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं लेकिन इस यात्रा के जरिए तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल की छवि बदलने की भी कोशिश करेंगे जिसे लेकर आरजेडी ने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इनमें एक दिशा निर्देश है हरे गमछे की जगह हरी टोपी और बैज को प्राथमिकता दें। 10 दिसंबर से आरजेडी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू होगी जिसके लिए आरजेडी ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कार्यकर्ताओं को गमछा के बदले बैज और टोपी को प्राथमिकता देने की बात कही गई। कार्यकर्ताओं को आरजेडी के इस दिशा निर्देश के बाद से राजनीति शुरू हो गई और भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा।
श्री तेजस्वी यादव जी गमछा इसलिए हटा रहे हैं कि वो जंगल राज का प्रतीक समझ रहे हैं और अपहरण उद्योग का प्रतीक समझ रहे हैं, इसलिए बिहार के जनता को वो टोपी पहना करके दिग्भ्रमित करने के चक्कर में है। बिहार की जनता उनका टोपी पहनने वाला नहीं है, अब टोपी पहनाने वाला है। तो वही राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। वो तो मंदिर मस्जिद में फंसा करके हमारे संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। अयोध्या में नाबालिग से दुष्कर्म का एक और मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस ने शहबान नाम के इस आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी शहबान पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें शहबान के पैर में गोली लगी, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। अभी शहबान के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व बिना नंबर की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। शहबान को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, लेकिन जांच में सामने आया कि शहबान पर पहले से मामला दर्ज है और पुलिस को उसकी तलाश है। दरअसल 20 दिन पहले नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला सामने आया था, जिसका आरोप शहबान और उसके साथी पर लगा था। इस सिलसिले में परिजनों ने केस दर्ज कराया था, लेकिन उसके बाद पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां मिलनी शुरू हो गई। धमकी भरे फोन विदेश से भी आने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले अयोध्या में एसपी नेता मोहित खान का नाम एक दलित लड़की से रेप केस में आया था। फिलहाल आरोपी मोहित खान जेल में है और उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल चुका है। इधर अयोध्या में नाबालिग लड़की से रेप केस में बड़ा पर्दाफाश हुआ। आरोपी ने अपने आप को हिंदू बताया था, तो वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अयोध्या का एक प्रतिनिधि मंडल घर पहुंचा। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। 2 सितंबर को आरोपियों और उसके साथियों ने पीड़ित के घर पहुंचकर परिवार को धमकाया था। घटना के बाद आरोपी और उसका साथी फरार हो गए थे। पहले मुझसे झूठ बोलकर बात करी गई कि मैं हिंदू हूँ, अपना नाम उसने बताया, मेरा नाम आनंद है। फिर बात चलती रही, कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि वो मुसलमान है। किसी लोग मतलब किसी पता चला कि वो मुसलमान है, तो मैंने कहा अब तुमसे बात नहीं करूँगी। तो उसने कहा क्या जाति तो लगे, खून तो एक है, इस ऐसे करा तो मेरे को धमकी दिया। फिर दोनों ऐसे बात करने लगे। फिर तो कुछ दिन के बाद मैं उधर गई, ऐसे ही काम थोड़ा काम से गई, तो उसने देखा मेरे साथ गलत किया। वहीं दूसरी ओर अयोध्या से पहुंची डेलीगेशन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की बात कही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे मानसिकता ऐसे सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, या तो फिर दूसरा बाबा का बुलडोजर और बाबा की गोली जब गरजेगी बरसेगी तभी कंट्रोल हो। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र का खुलासा कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए वादों का पिटारा खोल दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और हो रहा है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में हैं और 43 जम्मू संभाग में हैं। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद वंचित दावेदारों में असंतोष बढ़ गया है। पार्टी ने रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव को उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन पार्टी के इस फैसले का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शहर के महाराजा अग्रसेन चौक से लेकर ऐतिहासिक मोती चौक तक मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। मार्च के दौरान कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर लिखा था कि कोसली ने दिया नकार, रेवाड़ी क्यों करे स्वीकार। पैदल मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि बीजेपी ने जिसे रेवाड़ी से अपना उम्मीदवार बनाया है, उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर हमारे को ब्लैकमेल करने के लिए इस रेवाड़ी शहर में रेवाड़ी की जनता को लूटने के लिए आया है। मैं आपको दोबारा बता दूं, रेवाड़ी विधानसभा की जागरूक जनता रेवाड़ी को बिल्कुल नहीं लूटने देगी।
सिर्फ रेवाड़ी के ही नहीं बल्कि टिकट कटने से कई नेता पार्टी से नाराज दिखे। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 9 विधायकों को टिकट नहीं मिला, जबकि कुछ सीटों पर टिकट के दावेदार रहे नेता भी टिकट नहीं मिलने से नाराज नजर आए। उत्तर प्रदेश में आरक्षित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी मंत्रियों के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के घर के बाहर कई दिनों से धरना चल रहा है और इनकी मांग है कि यूपी सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द लिस्ट जारी करे। 3 महीने का इंतजार करने की जगह जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। यूपी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर संजय निषाद के घर के बाहर 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो कि आरक्षित वर्ग के हैं, वो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 9 सितंबर को सुनवाई होगी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार आरक्षित बनाम अनारक्षित को लड़वाने का काम कर रही है। सर, हमें कुछ उम्मीद ही तो नहीं दिख रही, जमीन पे कुछ दिख ही तो नहीं रहा है। हमारी केवल लड़ाई लड़वाई जा रही, जनरल बनाम ओबीसी एससी लड़ाई करवाई जा रही है। इसके पहले अभ्यर्थियों ने यूपी पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव किया था। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने और जल्द नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी। बहराइच में चल रहे ऑपरेशन में बीते कई दिनों से कोई भेड़िया तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन आज भेड़िए के पैरों के निशान जरूर मिले हैं। बारिश के बीच भेड़िया रात में बहराइच के तेजवापुर गांव में आया था और वहां आकर उसने 12 साल के बच्चे पर घातक हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि बच्चा उस आदमखोर भेड़िए के चंगुल से बाहर निकल आया। जिस गांव में हमला हुआ उससे 40 किलोमीटर दूर भटौली गांव में भी भेड़िए पहुंचे थे। गांव में हमें भेड़िए के पैरों के निशान दिखे। ये एक पैर का निशान दिख रहा है, ये आप देखिए। इसके बाद ये जो चाचा जहाँ पर खड़े हैं, ये आप देखिए, ये है दूसरे पैर का निशान। बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई थी। इस गीली मिट्टी में चलते हुए भेड़िया लोगों के घरों तक पहुंच गया था। इस बात की तस्दीक कर रहे हैं ये पैरों के निशान, जो लोगों के घरों के पास भी देखे गए। अन्य से ये लोगों का कहना है कि ये भेड़िया का पैर। भेड़िया के हैं पैर ये। हाँ, आपको तो कल दिखा भी था ये। हाँ, कल तो देखा रहा। गांव वालों के मुताबिक उन्होंने 4 भेड़ियों को एक साथ देखा था। इन गांव में हर रात भेड़िया अपना शिकार ढूंढने आता है। लाठी लेकर निकले ये लोग अगर सचेत ना रहते तो शायद भटौली गांव में भी आदमखोर किसी का शिकार कर सकता था। देश की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन में चीनी पुर्जों के इस्तेमाल पर अब लगाम लगेगी। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सुरक्षा के लिहाज से डिफेंस मिनिस्ट्री ने बड़ा कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने 200 ड्रोन का ऑर्डर भी होल्ड कर दिया है। ड्रोन बनाने वाली कंपनियों से चीन के पुर्जे न होने की जानकारी मांगी गई। निजी कंपनियों से खरीदे जा रहे ड्रोन्स में चीन के कंपोनेंट ना हो, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है, जिसके साथ ही सेना में इस्तेमाल हो रहे ड्रोन में चीन में बने पुर्जों के इस्तेमाल पर रोक लग गई। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ये कदम उठा लिया गया है। ड्रोन में लगे चीनी पार्ट्स मिलिट्री ऑपरेशंस, कम्युनिकेशंस, कैमरा फंक्शंस, रेडियो ट्रांसमिशन और सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं और सेना का सीक्रेट डेटा चीनी हाथों में पड़ने का बड़ा जोखिम है, जिसे देखते हुए सेना और रक्षा मंत्रालय ने ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्चरर को ब्लैकलिस्ट भी किया। Z News.